नमस्कार आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है आपको ध्यान होगा आचार सलील चैनल में मैंने एक संघ की सीरीज शुरू करी है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति और अब तक का जो उनका ९० साल का सफर रहा है उसके बारे में चर्चा करना शुरू किया है उनके संगठनों के बारे में चर्चा करना शुरू किया है मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि संघ के जो प्रचारक होते हैं वो उनको देवतुल्य माना गया है वो अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ के और समाज को अपना पूरा जीवन देते हैं हिंदुत्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं जैसे राम जन्मभूमि को लेके कितना लंबा अभियान रहा और तौर से संघ ने 1970 के बाद जिस तरीके से एक संघर्ष किया और उसकी जो सफलता थी वो जाके हमको अब मिली जाके एक लंबे संघर्ष के बाद मैंने लगभग संघ के 300-400 प्रचारकों के बारे में काफ़ी रिसर्च किया मेरी तो बड़ी दीक्षा बड़ी दिली इच्छा है कि मैं सबके बारे में एक एक वीडियो बनाऊं लेकिन वो थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि इन सभी प्रचारकों का डेटा इकट्ठा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे कुछ फॉलोअर्स जो कि संघ के स्वयं सेवक हैं मेल किया ट्वीट किया कि दो संघ के वरिष्ठ लोगों के बारे में उन्होंने मुझसे जानना चाहा और मैंने कहा कि ज़रूर मैं चर्चा करूंगा और ये जो दो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं इत्तफाक से दोनों के काफ़ी डेटा मेरे पास आ गए हैं लेकिन आज मैं जिनकी कुंडली में विश्लेषण करने जा रहा हूँ उनका नाम है संजय जोशी जी संजय जोशी जी संघ के प्रचारक इंजीनियरिंग करी इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ समय नौकरी करी नौकरी छोड़ के संघ में पूर्णकालिक प्रचारक बने और उनको गुजरात का चार्ज दिया गया गुजरात बीजेपी में गए ये वो दौर था उन्नीस के बाद का बीजेपी गुजरात में खड़ी होने की कोशिश कर रही थी और संघ को ये विश्वास था कि संजय जोशी जाके वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं और उन्होंने काम किया पार्टी में सचिव थे बाद में उनको जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया काफ़ी अच्छा काम किया और बीजेपी वहाँ सत्ता में आई संजय जोशी जी ने मोदी जी के साथ अच्छा काम किया एक टाइम था कि मोदी जी भी कहा करते थे कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं उसके बाद एक पतन का दौर शुरू हुआ उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया दिल्ली शिफ्ट करने के बाद 2012 के आसपास की बात है 11, 12 के आसपास उन्होंने बीजेपी छोड़ा और इसके बाद पिछले 8-9 सालों से वो एक जिसको हम वनवास बोलते हैं का जीवन जी रहे हैं लेकिन आज भी पार्टी में ना होने के बावजूद भी वो अपना जो दायित्व है उसको कर रहे हैं लोगों से मिल और जो समाज में जो जागृति लाना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं इनकी उम्र लगभग लगभग अट्ठावन साल हो गई है तो जोशी जी का जन्म 6 अप्रैल उन्नीस को नागपुर में हुआ सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा जो है वो मेष राशि का है शुक्र के नक्षत्र में शुक्र के सब में और शनि के सब सब में तो यहाँ पे हम जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा जब भी शुक्र के नक्षत्र में आता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा वीरस का प्रभाव हो जाता है शुक्र का प्रभाव सिंह लग्न लग्न में कोई ग्रह नहीं है दूसरा घर खाली तीसरा घर खाली चौथा घर खाली पांचवा घर खाली छठे घर में शनि और केतु सातवें ग्रह में गुरु और मंगल आठवें घर में सूर्य और बुद्ध नवे घर में चंद्रमा और शुक्र दसवा घर खाली ग्यारहवां घर खाली बारहवें घर में राहु यदि हम आजकल के पंडितों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि काल सर्प योग की कुंडली मेरा ये मानना है कि योग जब भी होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में एक संघर्ष तो आदमी को करना पड़ता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन काल योग जो होता है वो प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है चाहे आप हो चाहे मैं हूँ सबको भोगना पड़ेगा इस कुंडली में शुक्र की महादशा मिली शुक्र की महादशा 1960 सौ साठ सूर्य की महादशा 1980 से सौ छियासी और चंद्रमा की महादशा उन्नीस से उन्नीस बस पूरी कहानी यहीं पे है छियानवे में और इसके बाद मंगल की महादशा उन्नीस से 2003 और 2003 में राहु की महादशा शुरू हो गई राहु बारहवें घर का स्वामी है और बारहवें घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा नवे घर में जाके वीनस के साथ में बैठा हुआ है बस यही एक कहानी हो गई बहुत अच्छी कुंडली लेकिन राहु की महादशा में सब कुछ गड़बड़ हो गया तो अब सवाल ये उठता है कि अट्ठावन साल की उम्र हो चुकी है क्या पार्टी में वापसी का टाइम आ रहा है मेरा ये मानना है किसी भी विवाद में न जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु की महादशा जो कि जनवरी 2021 से शुरू होने जा रही है गुरु इस कुंडली में पंचमेश होके सप्तम भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ बैठा हुआ है और गुरु जो है वो इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो शनि का इन्फ्लुएंस मतलब गुरु कहीं ना कहीं जाके इस उसमें शनि का असर रहेगा शनि छठे घर में बैठा हुआ है और नवांश कुंडली के लग्न में बैठा हुआ टॉरस सटवल में भी हम जाके देखें तो गुरु बहुत पावरफुल है शनि का गोचर इस समय बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा है सेवेंटी फाइव परसेंट बहुत अच्छा है दो हजार इक्कीस के बाद इस शनि का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है मेरा ये मानना है मैं अपने फॉलोअर्स को जो संजय जोशी जी को बहुत पसंद करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2021 में जनवरी के बाद इनके सितारे सुधरेंगे और मेरे को ऐसा लगता है कि वो आके बीजेपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे क्योंकि गुरु की महादशा 16 साल तक है और मेरा ये मानना है कि इन 16 सालों में आगे आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री होंगे बीजेपी से अभी तो मोदी जी हैं मोदी जी के बाद जो भी होंगे जो भी दौर आएगा या बीजेपी पावर में रहती है या जो भी होगा उसमें संजय जोशी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योग रहेगा योगदान रहेगा मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और एक नई पारी की जल्दी उम्मीद करता हूं नमस्कार